हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ विंटर पोशाक। तो मैंने लड्डू गोपाल के जितने भी पोशाक विंटर के रखी थी सबको निकाल ली हूँ, और कौन कौन से जो है मेरे पास कलर है लड्डू गोपाल के लिए, ये आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। देख सकते हैं इस तरह के जितने भी है रेडीमेड है, परचेस किया हुआ। पिछले साल मैंने की थी, इस साल अभी तो एक भी नहीं आया है, मैंने परचेस कर ली है। कब तक आता है? तो ऑनलाइन मिल जाती है लड्डू गोपाल के लिए और बड़े वाले ठाकुर जी के लिए। अब तक जो है मैंने एक भी ऑर्डर नहीं किया, जितना भी उनके लिए विंटर पोशाक है खुद से घर पर मैंने रेडी की है। तो उसका भी आपको जरूर दिखाऊंगी कि कौन कौन से ठाकुर जी की पोशाक विंटर वाली पोशाक है, तो आप लोग से जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी। ये जितने भी इनको विंटर का ये लड्डू गोपाल का पोशाक, तो ये रेडीमेड है, हाथ से भी कुछ खुद से भी मैंने बनाई थी पिछले साल। तो जैसे टाइम मिलता है उस तरह से मैं उनके लिए जो है कुछ कुछ बनाते रहती हूँ। तो ये जितने भी देख सकते हैं इतने कलर के जो है रेडीमेड है, और भी रेडीमेड होकर कहीं रखाया हुआ है, जितने जो मिला है अभी फिलहाल मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन है, रेड है, पिंक है, डार्क पिंक है, और फिर हल्का सा ग्रीन जो आती है, दो ग्रीन है, मगर देखने में कैमरा में लग रहा है सेम है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है ग्रीन और ये भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, ये हल्के ग्रीन है, ये पिंक कलर है, ये डार्क पिंक रानी कलर जो बोलते हैं वो है, यहाँ हल्के से बेबी पिंक इसमें किनारे किनारे दिया हुआ है। तो ये देखिए बेबी पिंक के साथ ये डार्क पिंक के साथ ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो इस तरह के जो है रेडीमेड लड्डू गोपाल के जितने भी ड्रेस थे मैंने निकाल लिए, और कहीं कहीं रखा होगा बड़े वाले ठाकुर जी के भी पोशाक में कुछ कुछ उनके साथ भी रखा गया होगा, तो उनका जो है पोशाक अलग रखाता है, इनके जो है अलग रखता है, क्योंकि मिलने में और खोजने में इजली हो जाती है, ताकि झटपट जो है कहीं भी रखे हुए हैं तो मिल सके। तो बहुत ही संभाल के रखती हूँ, जैसे अपने खुद को बच्चे के लिए रखते हैं, जैसे उनको विंटर के बाद जो पहनना नहीं रहता है तो अच्छे से बैग में कर कर अच्छे से धुलने के बाद ही रखते हैं। ये आती है जो धोने वाली, उसी में इनको धोते हैं ताकि उसमें खराब नहीं होती है। जितने भी विंटर की पोशाक होती है उसी में मैं धुलती हूँ, उसमें जो है जितने भी है इसमें कलर काफी अच्छे रहते हैं इजी में धोने से। तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, देख सकते हैं काफी सुंदर लग रही है कलर, ब्लू कलर काफी लड्डू गोपाल को काफी सुंदर लगती है। ये ब्लू कलर नहीं है, पर्पल कराते हैं वो है, और ये एकदम रेड कलर है, रेड पर ही व्हाइट का बुट्टी दिया हुआ है, काफी सुंदर लग रहा है। तो देखेंगे ऐसा फिर मिलता है तो मंगवाएंगे, एक दो और मंगवाएंगे, क्योंकि जितना ही रहता है उतना ही काम आता है लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए। तो अब दिखाते हैं जितने भी मैंने हाथ से जो बनाई है, जैसे हमको आता है तो उस तरह से मैं बनाई हूँ। तो ये देखिए ये हाथ से जो है मैंने खुद से बनाई थी। तो जैसे टाइम मिलता है, समय नहीं मिलता, दिन भी काफ़ी छोटी करती है, घर का काम निपटाते निपटाते जो है समय निकल जाता है, तो ये पिछले साल मैंने इनको बनाई थी। जैसे टाइम मिलता है तो एक दो घंटा जो है टाइम निकाल कर थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत जो है हाथ से भी खुद से भी बनाकर लड्डू गोपाल को जरूर पहनाना चाहिए। अगर आता है तो आपको क्रूस चलाना आता है तो बना सकते हैं, तो मुझे तो हल्का फुल्का आता है तो बना लेते हैं। हाँ, जैसे डिजाइन अगर हम देख लेते हैं तो उस तरह का डिजाइन जो है मैं उतार लेती हूँ, ये नहीं कि ये बिल्कुल ही नहीं आता है। तो डिजाइन भी है कुछ, मैं देखती हूँ तो बना ही लेती हूँ। तो ये डिजाइन मुझे नहीं आती थी। हाथ से जो बनाया हो रहा था वो काफी गर्म करती है, आप देखे होंगे, अगर मार्केट से जो लाते हैं उतना गर्म नहीं करता है। अगर हाथ से उलन लेकर आप अगर बनाते हैं तो काफी गर्म देती है। तो हाथ से बनाए हैं तो इसको में काफी गर्म रहती है, अगर वो खुद भी अगर बना के पहनते होंगे तो उसमें काफी गर्म रहती है। तो ऐसे छोटे छोटे मैंने बहुत सारे बनाए हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे बनाए हैं, डेली जब भी हल्का फुल्का पहनाना है, जैसे हल्का ठंड है तो उसमें पहना दिए, और पहनाने के बाद भी दो पहना सकते हैं, अंदर बनियान पहनाने के बाद उसके बाद ये पहना दीजिए, काफी गर्म करती है। तो इस तरह से बनाए, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, छोटे छोटे भगवान भी है ना तो उनको भी आ जाता है। तो जैसे लक्ष्मी गणेश जी है मेरे पास छोटे हैं तो उनको आराम से आ जाता है, पहना देते हैं, और हरि विष्णु जी के लिए भी इस तरह के मैंने बनाई है, हाथ से भी बनाई है, थोड़ा मार्केट से भी ली है। इस तरह के देखिए दुर्गा माता के लिए है, दुर्गा माता छोटे हैं तो उनको अच्छे से आ जाता है, इस तरह से पीछे से बांध देते हैं, और इसी में का दुपट्टा है तो वो भी दुपट्टा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहीं रखा होगा, उन्हीं के पोशाक में रखा होगा। ज्यादा ठंड रहती है तो मैं ज्यादा इसी को पहनाती हूँ, क्योंकि पूरा कवर कर लेता है सिर्फ फेस छोड़कर। तो इस तरह के टोपी है, एक और पोचो है जो मैं हैंकी से बनाई थी, जो सॉफ्ट वाले ठंडे वाले हैंकी आते हैं ना, तो उसी को मैं कट कर बनाई बनाई थी इसको। ये देखिए टोपी है, और ये टोपी पहनाने के बाद और इस तरह से आप एक पिनअप कर लीजिए, इसमें पुटपुटिया नहीं लगाए हैं तो यहाँ पिनअप कर देते हैं, नहीं भी पिनअप करते तो बस इस तरह से गर्दन से उड़ा कर इस तरह से ढक देते हैं, काफी आराम रहता है उनको पहनाने में, और साथ में टोपी भी है, टोपी भी डाल देते हैं। एक चीज और रह गया है, देखिए ये अंदर जो रहता है ना, ये जंप सूट जैसे देखे हैं, ये हाफ है जैसे पैंट टाइप का है, इस तो दोनों दोनों साइड जो है पैर निकल आएगा, या पूरा यहाँ से इस तरह से इधर से लॉक किया हुआ है, इधर से पहना सकते हैं, इधर से खोलकर एक साइड दिए हैं, बाकी इधर से पैर निकल जाएगा, इधर से पैर निकल जाएगा। तो ये रात में जैसे कि कभी मन करता है तो रात में इसी को पहनाकर सुला देते हैं, ताकि उनको भी आराम से सोएं, हल्के से कपड़े भी पहन के, कभी कभी हम लोग को भी लगता है रेडेट लगता है तो उन्हें भी लगता होगा, तो इस तरह से
इनको पैक कर देते हैं और अच्छे से उनको बनाने में काफ़ी इजली है, बनाने में कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी 1 घंटा में बन जाता है। एक और पोचो है दोस्तों रेड कलर का, ये पार्वती मैया को जब भी उनको स्नान कराते हैं तो इस तरह से जो है उनको पहना के बैठाया जाता है। जैसी ठंड जैसे बढ़ती है उसी तरह ही लगाती है, ज़्यादा ठंड रहती है ना तो इनको ऊपर से उनको पहना देते हैं ताकि उनको भी ठंड ना लगे। एक इस तरह का देखिए टोपी है, ढेर सारा टोपी है मैंने बनाई थी इस तरह के, तो जब टाइम मिलता है समय मिलता है तो इस तरह से जो है कुछ कुछ जो है उनके लिए बनाते रहते हैं। ये देखिए टोपी है, ये क्या बोलते हैं इसको, बंदर टोपी हम लोग भाषा में बोलते हैं इसको, बंदर। काफी बनाने के बाद काफी सेफ होता है, एकदम पूरा आँख कान उन पूरा जो गर्दन है ना सब कुछ ढक जाता है पहनाने के बाद, तो आओ कोई कपड़ा पहनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है लड्डू गोपाल को। तो इस तरह के जो है दो बनाए थे पिछले साल, तो काफी ठीक रहता है। जैसे ज्यादा ठंडा रहती है ना उसमें पहना दीजिए, काफी पूरा सेफ्टी से सिर्फ चेहरा ही आपको उसमें उनका रहता है, बाकी पूरे सर जो है ढक जाता है, पूरे अच्छे रहते हैं ये पहनने के बाद। सोच रही हूँ कि एक दो और जो बनाती हूँ उनके लिए, 2-3 कलर में काफी अच्छे लगते हैं, सब ड्रेस पर बनाने में काफी अच्छे रहते हैं। सारा टोपी, ये सब टोपी से फेल है दोस्तों, ये तो बांधना पड़ता है, ये भी बांधना पड़ता है, ये भी बांधना पड़ता है, ये जो है कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ उनके सर में जो डाल देना है सिर्फ फेस दिखाई देगा। जैसे पहले के बच्चे पहनते ना छोटे छोटे पहनते थे, इसको हम लोग बंदर टोपी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइए कमेंट में। तो इस तरह तो ये एक रेड में बनाए थे, इसमें भी टोपी है, टोपी हम एक अलग से दिखा देंगे। सारे टोपी जितने भी ड्रेस बनाए हैं उनमें का भी सारा ड्रेस में का जो टोपी मैंने सेम ही मैचिंग ही लगाकर बनाया है। तो इसमें का पैजामा रह गया था, सेम मैचिंग पैजामा भी था और ये टोपी था, तो इसमें का पैजामा और टोपी सेम मैचिंग बनाए थे इसमें का। ये देखिए हो गया, ये एक और बनाए थे दोस्तों, ये देखिए काफी ये बड़ी बनी है, ये एक और ठाकुर जी है राधा रानी उनकी, तो उनके लिए बनाए हैं तो अच्छे से आ जाता है। एक इसमें का सेम डिजाइन और है, एक जोड़ और है वो मिल नहीं रहा है, वो किसी और पोशाक में रखाया होगा, तो अभी जो मिला है ये भी हाथ से ही बनाया गया है, जैसे येल्लो वाला था ना उसी तरह इस तरह के डिजाइन दे दिए थे। ये देखिए इधर से बांधने वाला है, अगर कम बेसी हो तो इस तरह से यहाँ से बांध सकते हैं, छोटा करना है तो इस तरह से छोटा करके आप पहना सकते हैं। और यहाँ दिया हुआ पुटपुटिया जो यहाँ पर हम लॉक कर देंगे इस तरह से, इस तरह से हम अच्छे से पैकिंग हो जाएगी जब पहनने के बाद, तो इस तरह के हो जाती है। और इसमें का देखिए टोपी है, इस तरह का टोपी मैंने ही बनाई है, यह देखिए ये टोपी हो गया इस तरह का और ये हो गया, तो 4-5 मैंने बनाई थी इस तरह से हाथ से। और ये देखिए माता रानी के लिए, माता रानी यह तो पार्वती माता है तो उनको इस तरह से ना हाथ उनका जुड़ा हुआ है तो उनको ब्लश टाइप का नहीं आता है, क्योंकि इस तरह के खुला ही बनाना पड़ता है ताकि नीचे से ले जाकर गर्दन में जो है बांध सकें, तो इनको इस तरह से ही बनाना पड़ता है। तो ये देखिए पार्वती मैया के लिए है, और शंकर जी के लिए तो इस तरह का मैंने बनाई थी पोचो, ये देखिए शंकर जी के लिए पोचो अच्छे से यहाँ से कवर कर देते हैं टोपी तरह बनाने के बाद, उसके बाद पूरा हाथ और पैर सब ढक जाता है। तो इस तरह के मैंने बनाई ये पोचो, दोनों साइड से पहना सकते हैं, एक इधर येल्लो टाइप का है प्लेन और इधर जो महादेव के जो भी होते हैं बाघ छाप का उसी की डिजाइन में मैंने बनाई है ताकि अच्छे लगते हैं इस तरह के पोशाक उन पे। तो ये हो गया महादेव के पोचो। तो कभी कभी मन करता है तो लड्डू गोपाल को भी स्नान करने के बाद पहना देते हैं, बाकी जब महादेव को धारण करवाते हैं तो इस तरह का और भी है 2-3 बना हुआ, मगर अभी मिल नहीं रहा है, जो अभी सामने मिला है मैं दोस्तों वही दिखा रही हूँ। एक ये भी पोचो है, तो रेडीमेड लेने से अच्छा है, रेडीमेड काफी महंगी मिलती है, तो अगर आपके हाथ में हुनर है तो बना सकते हैं। तो ये दोनों साइड से हम पोचो बना सकते हैं, जब स्नान करते हैं ना लड्डू गोपाल को उसी समय जो है जल्दी जल्दी जो है। तो दोस्तों ये देखिए हाथ से बनाया हुआ है, तो जैसा मैं डिजाइन देखती हूँ ना दोस्तों तो हम बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुरुस नहीं आता है। अगर आप लोगों भी हल्का फुल्का भी कुरुस आता है तो जरूर अपने लड्डू गोपाल के लिए स्वेटर बनाए, उनके बुने, उनके लिए काफी अच्छा फील होता है, अगर उनके लिए कुछ करते हैं तो काफी अच्छा फील होता है कि चलो कुछ किए। तो हाथ से बनाया हुआ काफी अलग आनंद अलग आता है, रेडीमेड पहनाते हैं तो उसका आनंद जो है आपको अनुभव अलग मिलता होगा, मगर ये हाथ से बनाकर अगर लड्डू गोपाल को कुछ भी पहनाते हैं तो उसका अनुभव काफी अच्छा रहता है। तो ये हो गया, मैंने डिजाइन एक देखी थी तो सोची चलो एक डिजाइन का मैं बनाती हूँ घर पे, तो रेडीमेड तो बहुत सारे पहनते हैं, बहुत सारे है भी, जितने भी ड्रेस पहनाते हैं तो थोड़ा सा कोशिश रहता है कि चलो उनको हाथ से कुछ पहनाते हैं। तो एक ये हो गया, मैंने ब्लैक कलर का मैंने ऑनलाइन खोजी पकड़ नहीं मिली तो ब्लैक कलर का मैं खुद से ही बनाई हूँ, तो जैसे भी बने बाकी बना लिए हैं। ये देखिए इसमें डिजाइन नहीं दी है, सिंपली मैं इस तरह के प्लेन ही बनाई हूँ, सीधा सीधा जो बोलते हैं ना उसको उसी तरह मैं बनानी बनाई हूँ। तो इस तरह से देखिए फुल बाजू का है, एक बाजू छोटी बनाई है क्योंकि एक बाजू एक हाथ जो है छोटी रहती है ना, तो एक हाथ छोटी बनाती हूँ, एक हाथ थोड़ी सी लंबी रहती हूँ ताकि अच्छे से फिटिंग आए, फिटिंग आना चाहिए लड्डू गोपाल को। तो इसी में का टोपी भी है, टोपी नहीं बनाया मफलर बनाया है, तो इस तरह का देखिए मफलर भी है,
तो ऐसे पहनाने के बाद टोपी भी इसको बना सकते हैं इस तरह से, मफलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह के देखिए, तो थोड़ा सा ये सिंपल है, डिजाइन इसमें नहीं है। तो ये ब्लैक कलर का नहीं था मेरे लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि हर वीकेंड में जैसे कि थर्सडे फ्राइडे इस तरह का मैं कॉम्बिनेशन करके जो है अलग अलग दिन सोच कर जो है कलर पहनाती हूँ, कौन सा दिन में जो है कौन कलर पहनाना है उसी तरह हिसाब से जो है मैं बनाई हूँ। उतना अच्छी से आती नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है बन सके, जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो एक ये देखिए, आप भी चाहें तो हैंकी से बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, कोई भगवान के लिए बिगड़ा के बना सकते हैं, ताकि जब भी स्नान कराते हैं ना, ठंड ज्यादा ठंड रहती है तो कभी भी लगता है कि जल्दी जल्दी जो है लड्डू गोपाल को जल्दी कपड़ा पहना दें। तो फिलहाल के लिए जो है जल्दीबाजी में जो भी है ये लपेट कर उनको बैठाते हैं, उसके बाद आराम से उनको कपड़ा धारण कराते हैं अंग पोछ करने के बाद अच्छे से। तो इस तरह से जो जल्दीबाजी के लिए जो है अच्छे काफी सॉफ्ट भी रहते हैं, जो विंटर वाली हैंकी आती है उससे बना सकते हैं। अगर आपको कुरुस चलाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के आप कट कर कर हाथों से ही बना सकते हैं। तो नेक्स्ट में है दोस्तों, मैंने विंटर के लिए लाई थी बेड बनाने के लिए दो तीन कलर का, तो एक पिंक है, एक डार्क पिंक है, एक ब्लू है। तो बेड बनाने के लिए, ओढ़ने के लिए आती है कम्बल जैसा बनाने के लिए, तो फोम भी ला के रखी हुई है, रुई भी ला के रखी हुई है। तो देखते हैं जैसे टाइम मिलता है, दिन भी छोटा करता है, टाइम नहीं मिलता है तो अगर नहीं बन पाया तो इसी को जो है ओढ़ाया जाएगा। जब देखते हैं अगर बन पाएगा तो बन पाएगा, नहीं तो ये ओढ़ने के लिए जो ठाकुर जी जब साइन करेंगे ना तो उसी को ओढ़ाने के लिए जो है दो तीन कलर मैंने लाई थी। तो इसमें का जो है ड्रेस भी बना हुआ है, ठाकुर जी का बड़े वाले ठाकुर जी है उनको बना हुआ ड्रेस, और उन्हीं में से जो है कपड़े काफी मैं ज्यादा ही ले लेती हूँ ताकि बेड उड भी बनाने के लिए काम आ जाती है। तो इस तरह के दो तीन कलर देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो बेड बनाएगा, नहीं तो इस तरह देखते हैं ओढ़ा भी सकते हैं इसको फोल्ड कर कर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और चैनल को शेयर जरूर करना फैमिली फ्रेंड में वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े ठाकुर जी के पोशाक के साथ, उनका भी विंटर कभी निकाले नहीं है, जब उनका श्रृंगार होगा तो उसके 2 दिन पहले निकालूंगी, अभी निकाली नहीं हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े बड़े ठाकुर के ड्रेस के साथ, उनका भी अभी निकाले नहीं है, 1-2 दिन में निकालने वाले हैं, अभी उतना ठंड नहीं है इसलिए नहीं निकाले हैं। तो अभी लड्डू गोपाल का निकाले हैं, उनका भी जो है निकालते हैं, अगर निकालते हैं तो उनका भी कैसे कौन कौन सा ड्रेस है वो भी आप लोग से शेयर करना चाहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे दोस्तों।